हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं कुनिहार से वापस आ गई हूँ और आज मैं जा रही हूँ एक बर्थडे पार्टी में। मेरे भैया हैं, कज़न भैया, उनकी बेटी का आज फर्स्ट बर्थडे है और वो बर्थडे होने वाला है यहाँ सोलन में, पैरागॉन होटल में। तो शाम को 6 बजे तक हम सबको पहुँचना है, तो उसके लिए मैं अब हो रही हूँ रेडी। और आज मैं पहन रही हूँ बर्थडे में वेस्टर्न ड्रेस। एक ड्रेस है मेरे पास, वो काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी मेरे पास, मतलब बहुत टाइम से, और मैंने पहना ही नहीं था उसको। तो आज ओकेजन है कि मैं उसको पहनूं, और वो ब्लैक है कलर में। तो अभी होती हूँ मैं रेडी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। और अभी मैं हूँ अपनी फ्रेंड के रूम पे, और यहाँ से जो है पैरागॉन होटल बहुत नज़दीक है, तो मैं यहीं आ गई तैयार त्यौहार होने। तो यहाँ से तैयार होकर निकलूँगी। तो चलो फिर फटाफट तैयार हो जाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि कौन से मेरे कज़न भैया की बेटी का बर्थडे है। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने बाल कर्ल करने की कोशिश करी पर अच्छे से हुई नहीं आज मेरी कर्ल। बस अब मैं निकलती हूँ और आपको मिलती हूँ सीधा पैरागॉन होटल में बर्थडे गर्ल के साथ। तो मेरी मामी जी और बच्चे वगैरह भी आने वाले हैं, तो गांव के और भी लोग होंगे, हो सकते हैं। तो मम्मी वगैरह यहाँ नीचे वेट कर रहे हैं। मेरी मामी और बेबी अनु तो आई नहीं, हम लोग लग रहा है सबसे पहले हम ही आए। अभी तो होश भी नहीं आए। 6 बजे बोला था आगे होंगे यार होश। तो अब हम लोग टाइम के पंक्चुअल है, 6 बजे बोला मतलब 6 बजे आए हम। आए होंगे, एक के दो लोग आए होंगे। तो ये है होटल ग्रैंड पैरागॉन पैलेस, यहाँ पे होनी है आज की बर्थडे पार्टी। और आज इस होटल में दो दो बर्थडे पार्टी है, एक है हमारे भैया की बेटी एरा की, और ये वाला जो हॉल है वो उन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले पहुँचे हैं। मामी सही बोल रही थी, अब 7 बजे से पहले कोई आने वाले नहीं है, हम लोग पहले आ चुके हैं। मैंने जो गर्ल्स करे थे सारे उड़ गए गर्ल्स। तो हम लोग ही पहुंच गए हैं पहले, अभी तक भी भैया वगैरह आए नहीं। तो अब हम चले जाएंगे अंदर और हम सबका वेलकम करेंगे। अब हम लोग बन जाएंगे होस्ट, हम गेस्ट नहीं, अब होस्ट हैं। चलो भाई अब हम होस्ट हैं। तो 7 बजे के बाद धीरे धीरे सारे लोगों का आना शुरू हो गया, और यहाँ पे जो है सबसे पहले ड्रिंक्स वगैरह सर्व की। तो मुझे कोक बहुत पसंद है, तो मैं यूजुअली जहाँ पर जाती हूँ तो मैं कोक पीना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे एक दीदी आए थे, उनके इतने प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे थे ना, ये वाला बेबी तो बस डांस ही करता रह रहा था। और अब पहुँच गए हमारे होस्ट भैया, बाबी, मासी वगैरह एंड हमारी बर्थडे गर्ल। नमस्ते भैया, मासी नमस्ते, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। हेलो बोरे, नमस्ते बुआ, नमस्ते 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 नमस्ते, लड़की बेटी, आगे लड़के बेटा। और ये है हमारी बर्थडे गर्ल, और अंदर ना मम्मी को देख के बहुत रो रही थी, तो मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर लेके आई ताकि मेरे साथ थोड़ा टाइम बिता पाए। तो मैं थोड़ी देर से खेलती थी, और ये इतनी प्यारी थी ना, और रो भी नहीं रही थी ज़्यादा। और धीरे धीरे सारे गेस्ट आते रहे आते रहे, तो लगभग 8-8:30 बजे तक जो है मैक्सिमम सारे गेस्ट आ चुके थे। तो उसके बाद जो है यहाँ पे स्नैक्स सर्व करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमने किया यहाँ पे सूप, ये मंचूरियन सूप था और बहुत बहुत टेस्टी था। और भाई किन्नौरों की पार्टी है, गाने फिल्मी चले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस थोड़ी सी देर में ही शुरू हो गए हमारे किन्नौरी गाने। तो अब कर लेते हैं हम स्नैक्स एंजॉय। तो स्नैक्स में था स्टफ मशरूम, स्प्रिंग रोल और मंचूरियन। तो इन सारे स्नैक्स में मेरा सबसे फेवरेट था स्टफ मशरूम। Thank you.
क्लैप करो बेटा, क्लैप करो, क्लैप करो, क्लैप करो, अभी क्लैप करेंगे, देखो क्लैप करो, क्लैप करो, क्लैप करो, हाई फाइव करो, पापा को हाई फाइव करो, हाई फाइव करो, हाई फाइव करो, हाई फाइव करो, हाई फाइव करो। तो अब जो है डीजे वाले ने गाने इतने मस्त मस्त बजाए कि केक कटिंग करने से पहले ही यहाँ पे डांस प्रोग्राम शुरू हो गया। तो यहाँ पे अभी काफ़ी देर तक हम लोगों ने बहुत बहुत डांस किया। करने से पहले एक और परफॉर्मेंस होने वाली है। हमारे बीच में एक बहुत टैलेंटेड सिंगर है। करीब तू हमेशा पास था, किसा जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का के दिल में बस के
तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को झलक दे देख के छुप जाना होने वाली है केक कटिंग सेरेमनी शुरू। उसके लिए हमारी जो प्रिंसेस ईरा है उसको पहना दिए ये विंग्स। केक कटिंग तो हो गया, अब कर लेते हैं हम डिनर। तो मैंने अपनी प्लेट में ली दाल चावल थोड़ी सी मिक्स वेज और दही बल्ले, मेरा फेवरेट है दही बल्ले। साथ में ली मैंने मिस्सी रोटी और थोड़े से सैलेड। तो अब मैं करती हूँ अपना खाना इंजॉय। खाना बहुत बहुत टेस्टी था और सबसे टेस्टी दही बल्ला। आई लव दही बल्ला। और लास्ट में बारी आती है स्वीट डिश की। तो जो जो वहाँ पे रखा था मैंने सब ट्राई किया और उनमें सबसे फेवरेट है मेरा ये गुलाब जामुन और आइसक्रीम। और साथ में ली मैंने बर्थडे केक और थोड़ा सा जो वहाँ पे पेस्ट्री रखी थी मिक्स फ्रूट वाला, वो भी ट्राई किया और सारे बहुत बहुत टेस्टी था। निकल रहे हैं, मामी को अपने सबसे दूर जाना है ऊपर टैंक रोड की तरफ को। तो आए भी हम सबसे पहले और शायद निकल भी हम लोग सबसे पहले रहे हैं। और आज की पार्टी बहुत बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया। एंड अपना ब्लॉग बस मैं यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आप अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।